वर्ष की तरह इस वर्ष भी निचार मंडल के तहत कला मंच भावानगर में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम मनमोहन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एसडीएम महोदय ने 10:55 में ध्वजारोहण किया, पुलिस जवानों ने सलामी दी। उसके बाद उन्होंने भाषण में हमारे भारत वर्ष के महान क्रांतिकारी जिन्होंने भारत वर्ष की आजादी के लिए बलिदान दिए हैं। उसके बाद परियोजना वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भावानगर के छात्रों ने राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्थानीय व्यापार मंडल, नया व्यापार मंडल तथा पुराने व्यापार मंडल दोनों के सदस्य तथा अन्य साथी गण, व्यापारी गण, स्कूल से आए हुए बच्चों, अध्यापक गण, विभिन्न कार्यालय से उपस्थित यहाँ पर कर्मचारी, यहाँ के स्थानीय लोग, आप सबको मैं आज के शुभ दिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम अपने गणतंत्र के 72वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इन 72 सालों में जब 26 जनवरी पहली बार 26 जनवरी 1950 को आज़ादी के बाद हमने अपने संविधान को लागू किया, करीब 3 वर्ष इस संविधान को तैयार करने में हमारे संविधान निर्माताओं को लगे, विभिन्न देशों के संविधानों से, विभिन्न देशों के डेमोक्रेटिक सेटअप से उन्होंने कई चीज़ों को यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार समाहित किया तथा एक ऐसे संविधान को तैयार किया जो आज 72 साल बाद भी हमें निर्देशित कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है कि हमें इस देश के सिस्टम को कैसे लोगों के कल्याण को समाहित करते हुए आगे चलाना है। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद किया था, तो उसके बाद उन्हीं नेताओं में जिन्होंने संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी के लिए शत-शत नमन तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उन सभी को याद करना चाहेंगे जिन्होंने 72 सालों में इस देश के विकास में नई से नई कड़ियां जोड़ने का काम किया। हमारे सभी पूर्वज जिन्होंने हमें आज इस देश के एक ऐसे मॉडल को विकसित करके दिया जहां हम आर्थिक आजादी हो। भावनगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।